वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडे इस टॉपिक आपके क्रश आपके बारे में अभी क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके क्रश आपको लेकर अभी क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव फीलिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। ठीक है, तो कीप इट अप इन माइंड। जबरदस्ती किसी भी पार्ट को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट मत किया करें। ठीक है, बहुत सारी रीडिंग्स हैं, ओल्ड सोल रीडिंग भी आप रेजोनेट कर सकती हैं इस चैनल पे। ठीक है, सारी टाइमलेस होती हैं। और मतलब कि मैं स्टोरी लाइन पे ज़्यादा जाती हूँ। अगर स्टोरी लाइन आपकी है तो ये आपकी रीडिंग है। जोडियक साइन बेस, जोडियक बेस आप लोग रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरे सेकंड चैनल पे जाना पड़ेगा। आज भी वहाँ पे एक न्यू रीडिंग्स अपलोड हो रही है 9 बजे। ठीक है, आप लोगों के जोडियक साइन बेस, ठीक है, मैंने वहाँ पे रीडिंग्स अपलोड करनी है आज रात, तो आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट भी मिलेगा, क्विक क्लैरिटी, क्विक एनर्जी अपडेट के लिए, तो आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलें अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। स्टोरी लाइन आपकी है तो आपकी रीडिंग है बस। ठीक है, ये बात माइंड में रखा करें। अच्छी देखते हैं आपके आपके क्रश। बहुत सारे लोग न्यू कनेक्शन, न्यू रिलेशनशिप, क्रश लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं आपके क्रश जिस पर्सन को आप पसंद कर रहे हैं वो आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जिस इंसान को आप पसंद कर रहे हैं, जो इंसान आपका क्रश है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ठीक है, ओके, आपके क्रश आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त उनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या है। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, रिक्स टेकिंग। ठीक है, ये इंसान एक जीरो से स्टार्ट ले रहा है। थोड़ा सा फ्री नेचर का हो सकता है, थोड़ा सा लाइट एनर्जी का हो सकता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा सीरियस है, बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स की तरह बातें करना, कनेक्ट रहना, रिक्स टेकिंग करना, ठीक है, रिक्स लेना, कुछ आपको उस तरीके का इंसान मिल सकता है। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ जो अट्रैक्ट हो रहा है, काफ़ी मतलब कि एक फूल की एनर्जी है, एक जीरो की एनर्जी है, रिक्स टेकिंग, न्यू स्टार्ट, बहुत कुछ बिना सोचे समझे, जैसे कि डाई एंड डीप। ठीक है, बहुत बिना सोचे कुछ आपके पर्सन ये एक्शन या मूवमेंट कर रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, आपके क्रश बिल्कुल फ्री फील कर रहे हैं। ठीक है, एक जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, जीरो से एनर्जी आपके पर्सन की, जैसे कि आपके पार्टनर अगर आपका क्रश है ये पर्सन, लेकिन ये अपनी लाइफ में ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी है, आपके साथ कुछ न्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए रेडी हो चुका है ये पर्सन। ठीक है, अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है तो इस पर्सन का भी वही माइंड बन रहा है जो आपका बन रहा है। क्लैरिफाई द फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है, मेरे व्यूवर के क्रश की फीलिंग्स, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर के लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है, इतने सारे नहीं लूंगी। आपके क्रश की फीलिंग्स, क्लैरिफाई फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई फूल, ओके, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज्यादा रश वाली एनर्जी हो सकती है, पैशनेटिव वाली एनर्जी हो सकती है, आपको लग सकता है ये पर्सन एक रश कर रहा है। ठीक है, मतलब के अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन कंफ्यूज नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज है, ठीक है, इस पर्सन के थोड़े से मतलब के इमोशन फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये पर्सन थोड़ा सा बैलेंस मुझे कम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रशिंग वे में ये पर्सन आपको ज्यादा नजर आने वाला है। ठीक है, रिस्क टेकिंग करता हुआ ज्यादा नजर आने वाला है, थोड़ा सा आपको ये फन फ्लर्ट करता हुआ ज्यादा नजर आने वाला है, थोड़ा सा ये पर्सन आपसे एज में छोटा हो सकता है, या तो ये पर्सन एक जैसे कि फ्री बर्ड की तरह है, बहुत ज्यादा फ्रेश माइंड है, एक अपनी लाइफ में ये पर्सन जैसे कि न्यू ड्राइव, न्यू एक्सपीरियंस के लिए रेडी है, न्यू चीजों के लिए रेडी है, ये आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये आपकी तरफ एक्शन लेगा और एक्शन ले रहा है, लेकिन अगर आप कहें बहुत बैलेंस है, नहीं, एक फ्लक्चुएट कर रहे हैं इस पर्सन के इमोशंस आपको लेकर, इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन की लाइफ फ्लक्चुएट कर रही है, इसको कोई आपके और अपनी लाइफ के बीच या आपके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत है इस इंसान को। ठीक है, एक किसी तरीके का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, उस बैलेंस मेंटेन करने के लिए आप थोड़ी सी हेल्प करिएगा या आप थोड़ी सी एक सीरियसनेस रखिएगा। थोड़ा सा आपको ये पर्सन आपको इमेच्योर लग सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि एक बबल फेस होता है, जब वो बबल फेस होता है तो बहुत ज्यादा रातों रात कम्युनिकेशन करना, दिन रात बात करना, ये आपसे बहुत ज्यादा बात करना चाहेगा। ठीक है, ये बहुत आपसे एक रैशनल कम्युनिकेशन हो, मतलब कि एक पैशन होगा, एक स्टार्ट में जो एक पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके पार्टनर को भी वैसा फील हो रहा है, आपके साथ बात करने का दिल चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेट करने का, मिलने का दिल करता है। लेकिन अगर आप कहें कि बिल्कुल क्लियर है तो नहीं, ठीक है, मैं आपको इतना क्लियर करूं कि इसके बिल्कुल ये पर्सन आपके साथ फॉल इन लव नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब के अभी अनडिसाइडेड सा है। ठीक है, अभी इमोशंस अनस्टेबल हैं, ये बैलेंस और स्टेबल इमोशंस नहीं है। ओके,
आपके क्रश की फीलिंग्स राइट नाउ क्या है? ओके okay. किसी तरीके का स्ट्रेस है इस इंसान के पास, शायद तभी कंफ्यूज है ये, ठीक है? शायद तभी इसी वजह से थोड़ा सा ये पर्सन इतना, या तो किसी तरीके का स्ट्रेस फील कर रहा है, तभी ये पर्सन आपकी तरफ एक बैलेंस बना नहीं पा रहा, आपके और अपने बीच एक बैलेंस सिचुएशन कर नहीं पा रहा। लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके का स्ट्रेस है। क्लैरिफाई टेन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई, थोड़ा सा बर्डन, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है? एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, किसी किसी चीज का स्ट्रेस लेकर चल रहा है ये अपने दिल में, दिमाग में, इसकी फीलिंग्स पे जो है, ठीक है? क्लैरिफाई टेन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, कम्युनिकेशन में ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है बैक एंड फोर्थ। अगर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेबल माइंडसेट के हैं, आपने स्टेबिलिटी को लेकर कुछ कहा है, थोड़ा सा उस चीज को लेकर डिफेंसिव रहेगा, स्टेबिलिटी पे बात करने को लेकर, या स्टेबल टॉक, या फैमिली टॉक, या फैमिली फैमिली जैसे कि फैमिली को एक साथ मिलाना, या किसी भी तरीके की जो फैमिली टॉक होती है कि मैरिज करेंगे, आगे फ्यूचर बनेगा, उस चीज को लेकर डिफेंसिव है। ये भी मैरिज का, फैमिली का स्ट्रेस नहीं चाहता, ये आपके साथ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन जरूर चाहता है, लेकिन ये स्टेबिलिटी को लेकर, मैंने कहा ना, अनडिसाइडेड है। शायद इसीलिए ये आपके साथ बहुत जल्द स्टेबिलिटी की तरफ, या मैरिज, या कमिटमेंट की तरफ जंप करना नहीं चाहेगा। ये आपके साथ हैंग आउट करना, अच्छी चीजें एक्सप्लोर करना, एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे को, मतलब कि एक बबल फेस कैसा होता है जब इंसान एक न्यू न्यू रिलेशनशिप में आता है, बहुत प्यारा बबल फेस होता है। एक दूसरे को केयर करना, टेक केयर करना, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हॉबीज को जानना, वो वाली एनर्जी है, ठीक है? मतलब कि एक डिफेंसिवनेस है, एक डिफेंसिवनेस है यहाँ पे, जजमेंट और यहाँ पे है जस्टिस, ठीक है? दोनों मेजर अरकाना है यहाँ पे। हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर बैलेंस, स्टेबल, थोड़ा सा स्टेबल, एक स्टेबिलिटी को लेकर डिफेंसिव एनर्जी हो सकती है, गार्ड्स अप हो सकते हैं। आपको लग सकता है शायद ये आपके साथ सीरियस नहीं है, शायद ये इंसान आपके साथ एक इमेच्योरिटी में है, शायद ये आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करना चाह रहा, शायद ये आपके साथ एक मतलब कि आपको डाउट हो सकता है, ठीक है? इसके एक्शन को लेकर, या इसके किसी तरीके के बिहेवियर, या किसी मूवमेंट को लेकर कोई डाउट आपको लग सकता है, ठीक है? यहाँ पर ओके फीलिंग्स आपके क्रश की, वेट, ओके, फाइव ऑफ पैंटिकल। आपके क्रश अपनी लाइफ में एक शेल्टर चाह रहे हैं, मैं आपको इतना बात बताऊं, मतलब कि आपके पार्टनर को एक साथी चाहिए, एक पर्सन चाहिए अंडरस्टैंडिंग वाला, लेकिन डाउट करने में थोड़ा डरेंगे, ठीक है? लॉन्ग टर्म प्लान करने में डरेगा ये इंसान, ये एक शेल्टर चाह रहा है, ये एक अकेला है अंदर से, आपको बहुत ज्यादा फील होगा बात करके, एक अलोन जैसे कि सोल, ठीक है? अलोन सोल, अंदर से खाली इंसान जिसको पीस चाहिए, जिसको शायद फैमिली से वो सपोर्ट, या अपने पास्ट रिलेशनशिप, या पास्ट वून से पास्ट वून मिले, या वो एक पीस नहीं मिल सका, वो सपोर्ट नहीं मिल सका, वो एक मतलब के बैलेंस नहीं हो सका वो चीज। अट्रैक्टिव है, आपको लेकर काफी एक्साइटेड रहेगा, एक्साइटमेंट मुझे नजर आ रही है आपके पार्टनर, आपके क्रश के अंदर आपको लेकर, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी को बात करने में हिचकिचाएगा, उससे पीछे हटेगा, ठीक है? क्योंकि ये अभी आपको जानना चाहेगा, इसको लगेगा कि अभी जानना चाहिए, अभी एक दूसरे को समझना चाहिए, अभी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके बाद कुछ जाके लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन मेकिंग डिसाइड करना, थोड़ा सा आपको डिफेंसिव लग सकता है, इसकी वजह से आप शायद इसके ऊपर डाउट कर रहे होंगे, या डाउट कर सकते हैं, शायद ये आपके साथ टाइम पास कर रहा है, या इसका कोई सीरियस होने का प्लान नहीं है, ठीक है? आपको ऐसा फील हो सकता है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा स्टेबिलिटी को लेकर डिफेंसिव एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है? ये चट मंगनी पट मा, वो क्या बोलते हैं, वो वाली लाइन समझ नहीं आ रही, वो वाला ऐसा सीन नहीं, ठीक है? क्लियर था फाइव ऑफ पैंटिकल, यहाँ पे फाइव ऑफ पैंटिकल क्यों आया है? आपके क्रश अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? ओके, देखें, हैप्पीनेस, खुशियाँ, ये पर्सन सब चाहता है, ठीक है? इस पर्सन को अपनी लाइफ में शेल्टर चाहिए, अनकंडीशनल लव चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, जो इस पर्सन को आपसे मिलती भी नजर आ रही है, एक वाइब्रेशन आपके साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है? आप काफी रिलीजियस हो सकते हैं, काफी आप किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, काफी आपकी फैमिली
एक रिलीजन, कास्ट, कल्चर किसी का सेम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली ड्रीम देख रहा है, एक अनकंडीशनल लव आपसे आपसे चाहता है, लेकिन आपको कहेगा नहीं, ठीक है, इसके कोई पास्ट, इसके इनसिक्योरिटीज हैं, उस चीज की वजह से ही आपको तरफ एक सडन ऐसा एक्शन या सडन रिएक्ट नहीं करेगा, आपकी जो स्टेबिलिटी वाली बात है थोड़ा डिफेंसिवनेस दिखाएगा, ये आपको जानना चाहता है, ठीक है, इस चीज का स्ट्रेस अभी लेना नहीं चाहेगा। होता है ना, कोई पास्ट वूंड हो जाता है, कोई पास्ट हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम उसके बाद थोड़ा सा इस चीज को लेकर डरते हैं, हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करें मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, सामने वाला इंसान आपके साथ मैरिज को लेकर डिस्कशन करना चाहे और आप डिफेंसिव हो जाए, ठीक है, आप थोड़ा सा पास्ट जो आपने पेन, जो पास्ट आपने जो तकलीफ बर्दाश्त करी वो सरफेस पे आ जाती है, ठीक है, शायद आपने किसी को कमिटमेंट दी, किसी के साथ ओपन अप हुए, किसी के साथ वनरेबल हुए, लेकिन उसने आपको वैसा प्रोसेस नहीं करा, वैसे उसने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, वैसा समझा नहीं, ठीक है, उस तरीके से उसने आपके साथ एक बॉन्डिंग को क्लियर नहीं रखा, या ऑनेस्ट नहीं रहा, या लॉयल नहीं रहा, आप लोग की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो नहीं सकी, आपकी तरफ से थी लेकिन सामने वाले की तरफ से नहीं हो सकी, तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, किसी के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस, पास्ट बैड एक्सपीरियंस, जहाँ पे ये इंसान जरूर मैरिज और कमिटमेंट के लिए बहुत राजी हुआ या स्टेबल हुआ या इसका माइंडसेट क्लियर हो गया, लेकिन वहां से इसको वो मिल नहीं सका, ठीक है, थोड़ा सा आपको प्लेयर काइंड एनर्जी लग सकता है, लेकिन एक मेच्योर पर्सनैलिटी है इनर साइड से, ठीक है, एक मेच्योर माइंडसेट का पर्सन है, जानता है क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है, लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, जैसे कि दुनिया को लेकर सब जानता है, ओके मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं आपके क्रश, आपके साथ ड्रीम देखेंगे अनकंडीशनल लव का, ठीक है, मैरिज का, कमिटमेंट का, हील, ये पर्सन हीलिंग चाह रहा है, ये पर्सन होप कर रहा है आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर की, इसको लगता है कि कोई एक अच्छा इंसान आपका क्रश आपके साथ, मतलब कि लॉन्ग टर्म सोचना चाहेंगे, ठीक है, आपके अपनी किस्मत आपके साथ आजमाना चाहेंगे, अपनी लव लाइफ में दोबारा एक रिस्क टेकिंग करना चाहेंगे, आपके क्रश आपके साथ कुछ बदलना चाहेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कि जाहिर देर में करेगा, जाहिर करेगा आपको समझने के बाद, आप ठीक इंसान हैं, कितना आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, वो वाली एनर्जी, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपकी भी एनर्जी रह सकती है, क्लैरिफाई स्टार, क्लैरिफाई स्टार, आपके क्रश इस वक्त राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, आपके क्रश क्या फील कर रहे हैं अभी आपको लेकर, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते को, आपके पर्सन ने कोई कार्मिक कनेक्शन निभाया है, पास्ट में कुछ कर्मा रहा है, फैमिली कोई कार्मिक रही या कोई मैरिज कार्मिक रही, ठीक है, मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ, इस पर्सन की मैरिज हुई भी है तो मैरिज कार्मिक थी, और अगर कोई रिलेशनशिप रहा है तो वहां मैरिज करना चाह रहा था, वो कार्मा बन गया, वो कार्मिक सिचुएशन बन गई, वो स्ट्रेस बन गया, ना वो इस इंसान को भूल पा रहा था, ना रख पा रहा था, कोई पास्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन बहुत आइसोलेशन में जाके आपके बारे में सोचने वाला है, ठीक है, या आपको एक बहुत ज्यादा जैसे कि सोलमेट, कोई न्यू सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करा है, ठीक है, या तो करने वाला है, जो बहुत से लोग नए लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपका एक सोलमेट काइंड एनर्जी आपको फील हो सकती है, आपको पर्सन काफी मिच्योर लग सकता है, मैं आपको कह रही हूँ उसके एक्शन इमेच्योरिटी वाले हो सकते हैं, लेकिन वो डीप डाउन इनर, अब मतलब के इंटरनली वो बहुत ज्यादा एक जैसे बहुत सीरियस सोल है, ठीक है, वो एक सोल टाई देख रहा है इस रिश्ते में, वो एक जैसे के डिवाइनली गाइडेड डेस्टिनी, एक डेस्टाइन कनेक्शन की तरह देख रहा है, लेकिन ये बात आपसे छुपाएगा, ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत होपफुल हो रहा है, अंदर से बहुत सारे ड्रीम्स बना रहा है, बहुत सारी मतलब कि ये पर्सन ड्रीमी वर्ल्ड में भी रहने वाला है, ठीक है, ये ड्रीमी वर्ल्ड बना रहा है अपना आपके साथ, लेकिन ये बात हाइड करेगा, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बात भी करना चाहेंगे मैरिज की, थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा, पहले आपको जानना चाहेगा, पहले आपको समझना चाहेगा, इसको ये स्ट्रेस की तरह लगेंगी आपकी बार बार कहीं भी बातें, मैरिज कमिटमेंट, ये पर्सन इस चीज को लेकर डर जाएगा, कुछ पास्ट में इसका मैरिज से रिलेटेड, या कुछ पास्ट में कुछ कर्मा इसने फेस करा है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, कुछ ना कुछ इसने अपनी लाइफ में फेस करा है, ठीक है, किसी बैड एक्सपीरियंस से गुजरा ये पर्सन, आपके क्रश के इंटेंशन इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, ठीक है, मुझे आपके क्रश के माइंडसेट में बैक ऑफ द स्टोरी मैरिज, स्टेबिलिटी, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, रिलीजियन पर्सन, मतलब के काफी जो एक होता है एक फीमेल या मेल, एक मैरिज मटेरियल, ठीक है, माइंडसेट आपके पार्टनर का नजर आ रहा है, हो सकता है आप किसी डेटिंग डेटिंग ऐप के थ्रू मिले या कहीं आपकी टकराव हो, लेकिन ये पर्सन आपको शो ऐसा कर सकता है, बहुत ज्यादा इमेच्योर, आपको जानने के लिए बेहद इमेच्योरिटी शो कर सकता है, ठीक है, कि आप किस तरीके के इंसान है, ओके, ठीक है, तो ट्रू इंटेंशन आपके क्रश के इस कनेक्शन को लेकर,
भाई हार्ड वर्क करना, बैलेंस करना, स्टेबिलिटी तक लेकर जाना, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई मेन ऐसा कोई ऐसा जैसा कोई ऑब्स्टिकल ना आए तो यहाँ पर आपके पार्टनर का है हार्ड वर्क करना, इस रिश्ते पे काम करना और इस रिश्ते को एक स्टेबल ग्राउंडेड एक स्टेबिलिटी तक लेके जाना, लॉन्ग टर्म तक लेके जाना। ये पर्सन मुझे अंदर से बहुत ज्यादा मेच्योर लग रहा है। इस पर्सन का ये दिखाएगा वो नहीं जो ये इस रिश्ते से चाह रहा है, जो इस रिश्ते के फ्यूचर को ये बनाना चाह रहा है, जितना ये फ्यूचर को जैसे जैसे आप लोग के बीच बॉन्डिंग बढ़ेगी, आपको जानेगा उतना ये ड्रीम एक स्ट्रांग एनर्जी लेता जाएगा, ठीक है। एक स्ट्रांग पार्ट इसमें कुछ ना कुछ बनता जाएगा। मैरिज भाई ठीक है, डिफेंसिव होने वाला है लेकिन थोड़ा डरेगा, रिजेक्शन फेस, थोड़ा सा नर्वस रहेगा, थोड़ा सा डिफेंसिव रहेगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जब ये खुद बात करेगा मैरिज की तो आप यकीन करें मैरिज कमिटमेंट और सडन मैरिज होगी, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड माइंड और इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी डिफेंसिव एनर्जी से निकलना पड़ेगा, अपने गार्ड्स डाउन करने पड़ेंगे, ठीक है। नर्वस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ी सी नर्वसनेस है, थोड़ी सी डिस्टर्ब पार्ट, थोड़ी सी डिस्टर्ब एनर्जी रह सकती है, ठीक है। किसी तरीके का स्ट्रेस रह सकता है, किसी तरीके का स्ट्रेस रह सकता है। प्रॉब्लम क्या है? इस कनेक्शन में किसी तरीके का स्ट्रेस रह सकता है, या तो कोई प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल नर्वसनेस किसी तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करने को मिल सकती है आपको, ठीक है। और सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, डिफेंसिव एनर्जी आपको आपके पार्टनर की तरफ से दिख सकती है। डिफेंसिवनेस स्टेबिलिटी को लेकर मैं बार बार कह रही हूँ, आपको लग सकता है इससे बात करके शायद ये आपके साथ टाइम पास कर रहा है, ठीक है। कुछ जो आपके पार्टनर का वूंड है, जो पेन है, जो तकलीफ है, मतलब कि अगर इस इंसान को किसी के तरीके का डर है, ये खुद अगर सोचता है चीज़ों को स्टेबल और बैलेंस करने के लिए, उस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वेट सॉरी, वो सामान जा रहा था, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि स्टेबल और बैलेंस यहाँ पर कुछ सेट हो जाए इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ठीक है। मुझे नर्वस नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, कुछ स्टेबिलिटी को लेकर आपके पर्सन की लाइफ में इशू हुआ है। फीमेल है या मेल है, ठीक है। ओके okay. आपके पार्टनर क्रश, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से? आपके क्रश इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, ठीक है। क्राउन चक्र, आपके पार्टनर का क्राउन चक्र हील हो रहा है, हीलिंग इस रिश्ते में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेस्टिनी, ये पर्सन यहाँ पर इस रिश्ते में एंटर इसलिए कर रहा है, इसको एक डेस्टिनी लग रहा है कि डेस्टिनी ने जो किया अच्छा किया, जो पास्ट रहा वो अच्छा रहा, ठीक है। कुछ चेंज सक्सेस, यहाँ पे 717 की एनर्जी है, ठीक है। ये नंबर आपको कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस, विक्ट्री, ये पर्सन सक्सेस चाहता है, विक्ट्री चाहता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको इतना स्टेबल बैलेंस शो नहीं करेगा। मटेरियल हार्वेस्ट, मटेरियलिस्टिक चीजों को बैलेंस करना अपनी मटेरियल लाइफ को, होपफुल है यहाँ पर कुछ अच्छा होगा, ठीक है। आपके साथ फ्यूचर या डिवाइन ने कोई ना कोई चीज बहुत अच्छी प्लान करी है, ये पर्सन होपफुल है, ठीक है। कंफ्लिक्टेड एंड डिफीटेड, पास्ट में इसने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में फेस करा है। देखें लड़का हो या लड़की, लाइफ में कुछ ना कुछ इसने अपनी जिंदगी में स्ट्रेस फील करा। ट्रुथ, आप एक जो इसका पास्ट होते हैं ना वो आपको पता नहीं होगा, ये पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ रहा है, किसी ना किसी स्ट्रेस से, किसी ना किसी नेगेटिविटी से गुजरा है। अच्छी देखेंगे आपके क्रश अगर आपको कोई मैसेज मतलब कि हैंड रिटन वन वर्ड मैसेज में से कुछ मैसेज देना चाहे तो वो आपको क्या देंगे, ठीक है। आपके क्रश आपको कहना क्या चाहेंगे, अगर कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा? सेपरेशन, इस पर्सन का कहीं सेपरेशन हुआ था, ठीक है। कोई चीज इसकी लाइफ में सेपरेटेड आपको पता चलेगा,
अभी नहीं या तो बाद में, क्योंकि किसी तरीके का सेपरेशन इसने अपनी लाइफ में किसी से देखा है, विश फुलफिलमेंट, किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट यहाँ पर ये पर्सन शायद आपसे मिलने के बाद इसको ऐसा फील हुआ है कि जैसे कि कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, ठीक है। लेकिन वही बात है, आपको जानना जानना है इस पर्सन ने, ठीक है। यहाँ पे है नो कांटेक्ट, किसी के साथ इसका सेपरेशन, नो कांटेक्ट, कोई इसका मतलब कि नेगेटिव पास्ट हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर कोई इस पर्सन का पास्ट है, ठीक है। कुछ आपको मिलेगा इसके पास्ट में से, इसको जानने से, ठीक है, इससे कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन कोई इसकी लाइफ का कोई एक ऐसा हिस्सा है जो आप जानते नहीं है, वेट, ठीक है, जो आपको पता ही नहीं है। आपको किसी तरीके का ऐसा हिस्सा मिलेगा जरूर इसकी जिंदगी का, ठीक है। यहाँ पे है कम बैक प्लीज, ठीक है। इसने बहुत टाइम से किसी चीज का वेट करा है, किसी इंसान का अपनी लाइफ में वेट करा है, इंतजार किया है, ठीक है। यहाँ पर है अचीवमेंट, किसी तरीके की अचीवमेंट इस पर्सन को मिली है अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे है फीलिंग्स, यहाँ पे फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए, किसी का वेट कर रहा था ये पर्सन, मैं आपको ये क्लियर करूँ, ठीक है। स्ट्रेस इसको किसी का आने का है, किसी की लाइफ का है, मैरिज, ओके, ये मैरिज करना चाह रहा है, ठीक है, या तो ये ऑलरेडी मैरिज इसकी हुई भी हो सकती है, बात आपको पता होगी ऑलरेडी। लेट्स सी, देखते हैं अगर आपके लिए पर्सन क्या मैसेजेस देना चाह रहा है। आपके लिए पर्सन क्या मैसेज देना चाहेगा, ओके। यहाँ पे है एडमायर, ये पर्सन आपकी पर्सनैलिटी को, आपको एक एडमायर करता है, ठीक है। और यहाँ पे है कंफ्यूजन, मैं आपको ये बता रही हूँ, कंफ्यूज रह सकता है भाई आपका, आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज दिख सकता है, थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ एनर्जी। लाइफ गोल्स इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके क्रश के लिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी, भाई इस रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या आपके बारे में और किसी अपने पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। कोई थर्ड सिचुएशन बहुत ज्यादा इसके माइंड में हैवीली इम्पैक्ट कर रही है। अगर आपका रिश्ता फ्लक्चुएशन से जा रहा है, आपको इसके माइंड में है मैरिज, ठीक है, इसके माइंड में है बैलेंस। आपको अगर बहुत ज्यादा ये ऐसा हो सकता है, या आपको एक रैंडम चैटिंग करते हुए या कहीं डेटिंग ऐप से या कहीं बहुत ज्यादा रैंडमली मिल सकता है, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि अपनी लाइफ में किसी पास से बाहर आना चाह रहा है, पास से निकलना चाह रहा है, ठीक है। ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। थोड़ा थोड़ा बीच में स्ट्रेस और आपको अपसेटनेस इसमें दिख सकती है, कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, अपसेट हो रहा है, तो ये चीज आपको दिख सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ये पर्सन आपसे एक बैलेंस बना लेगा ना, जब आप चीजें, ये पर्सन आपसे हाइड भी अपना कुछ ना कुछ कर रहा है जैसे पास से रिलेटेड, लेकिन आपको बताएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपकी, मैंने कहा ना, जब आप लोग क्लोज आएंगे, बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होगी, वैसे वैसे चीजें अनफोल्ड होंगी, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। एट दी एंड ये पर्सन आपके साथ क्या डिसाइड करेगा इस रिश्ते में, क्योंकि मुझे कोई और नजर जरूर आ रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, यहाँ पर कुछ और जरूर चल रहा है। ये पर्सन एट दी एंड आपके साथ क्या डिसाइड करेगा इस कनेक्शन के लिए, मेरे व्यूअर के साथ इस पर्सन का क्या फ्यूचर रह सकता है। अथॉरिटी, ठीक है, थोड़ा सा अथॉरिटी वाला पर्सन है, एक लाइफ गोल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का। पैशन इग्नाइट, भाई आपके लिए एक पैशन इग्नाइट होगा, मैं कह रही हूँ इसके साथ बॉन्ड स्ट्रांग करें आप, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पैशन इग्नाइट करें, बैलेंस लेकर आए, पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखें, टेम्पटेशन में मत आइएगा, बहुत ऑब्सेशन, पैशन, ऑब्सेस्ड मत होइएगा, चेस मत करिएगा इस रिश्ते में इस पर्सन को, ठीक है, चेजिंग एनर्जी में मत रहिएगा। आपको लाइट होप यहाँ पर है कि आप लोग के बीच एक बैलेंस हो, ठीक है, यहाँ पर होप है आपको क्लैरिटी मिले तो रिश्ता अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आप ऑब्सेस्ड मत होइएगा, पोजेसिव मत होइएगा, चेज मत करिएगा इस कनेक्शन को, इस पर्सन को, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं इसका माइंडसेट सेट है, आप चेज करेंगे तो ये आपसे भागेगा। एक स्पेस क्रिएट कर बॉन्ड को स्ट्रांग करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।